गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर आपके सम्मुख एक बार कक्षा 11 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का नोट्स जो मैं लिखवा रहा था, प्रयाग का आखिरी इस प्रयाग पाठ का गद्यांश का हमने पूरा आपको लिखवा दिया था और इसका जो आखिरी है वह श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्लोक है इसको लिखना। आप अगली हेडिंग डाल लीजिए संकेत। जो भी चिन्ह लगाते हैं आप चिन्ह लगा लीजिए, जहां चिन्ह खत्म होता है उसके नीचे डबल इंवर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से भी पूरा लिखिए समुद्र पत्नियों। समुद्र पत्नियों जल संधि पाते, एक शब्द है बच्चों समुद्र पत्नियों जल संधि पाते। अब चूंकि हमारी काफी बहुत छोटी है, देख रहे हो आप लोग ना, आपकी हाइट के बराबर मेरी काफी है फिर भी छोटी है, तो हम यहाँ डॉट 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 लगा देते हैं इतना ही। और नास्ति शरीर बंदर, नास्ति हानि ग्रह बच्चों हम नीचे लिख देते हैं शरीर बंदर कट तो नहीं रहा है, नहीं संकेत हिंदी डालिए समुद्र पत्नियों ने जल संधि पाते डॉट 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 नास्ति शरीर बंधन, शरीर बंधन। एक बात और, मैं आपको हर क्लास में लिखने की शैली बताता हूं और अभी से आप आदत बना लीजिए, क्योंकि कक्षा 12 बोर्ड आपका होता है और बोर्ड में की दृश्य आप अभी तैयारी करें। जैसे हमने लघु संकेत हेडिंग डाला, आप भी ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, उस लाइन को छोड़कर हमने दूसरी लाइन ब्लैक पेन से ही, ये पूरा ब्लैक पेन से आप लिखेंगे समुद्र पत्नियों ने जल संधि पाते ब्लैक पेन डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये चिन्ह कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी की लाइन है और चिन्ह आपको दोनों लाइनों के मध्य लगाना है, यानी यहां चिन्ह इस तरह लगाना है, ऐसे कुछ लोग ऊपर लगा देते हैं, कुछ लोग और पसंद हो जाते हैं तो नीचे लगा देते हैं, ये दोनों तरीका गलत है। तरीका हमेशा यही सही होता है कि आप दोनों पंक्तियों के बीच में ये डॉट डॉट का चिन्ह लिख लिया आपने समुद्र पत्नियों जल संधि पाते डॉट 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 नास्ति शरीर बंधन। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, नीचे फिर हेडिंग डालिए शंदर। देखो हमने संदर्भ ये चिन्ह लगाया, अब आप ये मैंने चिन्ह लगाया इसके नीचे से आप लिखना शुरू करें संदर्भ लिखिए, पाठ तो ही है लेकिन संदर्भ बदल जाएगा, क्यों, इसलिए कि इसके पहले आपने संदर्भ पूर्वक लिखा था ना, वो गद्यांश था, वो संस्कृत गद्यांश था इसलिए आपने पूर्वक लिख दिया, लेकिन ये क्या है, ये श्लोक है, आप अगर पूर्वक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वहां आपने संस्कृत गद्यांश लिखा है और ये श्लोक लिख रहे हैं, इसलिए आप संदर्भ नोट करिए, संदर्भ लिखिए प्रस्तुत श्लोक
श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत ब्लू पेन से सब लिखिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ पुस्तक संस्कृत ये भी ब्लू पेन संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत दिग्दर्शिका के ब्लू पेन उठा के फेंक दीजिए ब्लैक पेन उठाइए के प्रयाग ब्लैक पेन प्रयाग। अब आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए या इसे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए कोई एक चाहे अंडरलाइन करिए चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। लिख लिया प्रयाग अब जहां ब्लू पेन फेंके उसको उठा लीजिए अब ब्लैक को उठा लीजिए ब्लू से लिखिए नामक पाठ से उद्धृत है नामक पाठ से उद्धृत या अवतरित लिख लीजिए ना उद्धृत लिख पाए तो अवतरित है या उद्धृत है उड़गिरा नीचे एक लाइन छोड़िए नीचे एक लाइन छोड़िए और हेडिंग डालिए हेडिंग हो गई हिंदी अनुवाद पूरा लिखिएगा हिंदी अनुवाद। अब ये पक्ति को छोड़ दीजिए मेरा चिन्ह यहां है इस लाइन में आप नीचे लिखना शुरू करें हिंदी अनुवाद हेडिंग हो गई लिखिए बोले लिखिए फिर समुद्र की पत्नियों समुद्र की पत्नियों यानी पत्नियों बहुवचन हो गया कई पत्नी हैं समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना और सरस्वती के गंगा यमुना और सरस्वती के जल के संगम में जल के संगम में पवित्र आत्मा वालों पवित्र आत्मा वालों रुक जाइएगा क्योंकि बोर्ड का एक नंबर यहां है और बहुत भारी बोर्ड में बार का बहुत प्रिय संधि है बोर्ड की एक सब मैंने आपको लिखाया पवित्र शब्द तो पढ़ लिया है पढ़ाया तो गया समी ने भूल गए पवित्र का शब्द विच्छेद कर दीजिए पवित्र का शब्द विच्छेद क्या होगा नहीं आता
प्रयास कर रहे हैं करीब। इसको ऊपर तक जा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। पवित्र का संधि विच्छेद नहीं आया, ये सूत्र जानते हैं आप, ये जो आए अवाव आए आए आओ आ, पहले संधि का नाम आपको बता दें, ये संधि है आपकी आयाद शब्द, आयाद सन। अब देखो आय का इसमें बदल जाता है ए में, आय का किसमें बदलता है आय में, आओ का किसमें बदलता है ओ में, और आओ का किसमें बदलता है ठीक। अब जैसे एक शब्द दिया है पवित्र, पवित्र दिया है ना, अब जरा इस पवित्र का ऐसा उच्चारण करो, आराम से धीरे धीरे उच्चारण करो, अब धीरे मतलब नहीं प व, अरे नहीं पूरे शब्द को एक साथ। तो जब आप उच्चारण करोगे तो देखो इसमें क्या छिपा है, ऐ छिपा है कि आय छिपा है कि आओ छिपा है कि आओ छिपा है, बोलिए या मेरे साथ बोलिए, पवित्र पवित्र पाओ 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 आओ आओ आवाया पवित्र, देखो पवई पव इत्र आवाया, नहीं समझ पाया, दूसरा शब्द ले लो। अब इसको उच्चारण करो नायक नायक नाय 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 आय आया, समझे इसको आय नाय आय आय नाय आय आया आ रहा है नहीं, इसी तरह इसका भी कर सकते हैं, इसी तरह इसका भी कर सकते हैं उसका भी कर सकते हैं, इसलिए अब इसका उच्चारण करो पवित्र प प प, क्या छिपा है आओ, आओ छिपा है, अब आओ का किसमें बदल जाएगा ओ में, तो इसका हो जाएगा अब यहाँ पर ओ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ओ की मात्रा लगा ओ ध्यान है, अब यहाँ क्या है वर्ण कौन सी मात्रा है छोटी की मात्रा, क्या हो जाएगा ई छोटी हो गया धन, तो बच्चों आया इसलिए मैंने आपको बता दिया संधि पढ़ लीजिए, इसको समय मिलेगा तो फिर आपको एक बार पूरी तरह से संधि को चारों संधि के सिलेबस में समझा देंगे। फिलहाल आप यहां लिखिए शरद की पत्नियों गंगा यमुना और सरस्वती के जल के संगम में पवित्र आत्मा वालों का, पवित्र आत्मा वालों का स्नान करने मात्र से, स्नान नहाना स्नान करने मात्र से कमल गई तत्व के ज्ञान के बिना भी, तत्व के ज्ञान के बिना भी
ज्ञान के बिना भी प्राणी शरीर को त्याग देने पर प्राणी शरीर को त्याग देने पर वह पुनः या दोबारा शरीर के बंधन में नहीं बंधता है अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस बच्चों, ये आपका हो गया प्रयाग भी कंप्लीट। आपने हिंदी अनुवाद पूरी तरह से पढ़ लिया, इसका आपने पूरी तरह से हिंदी अनुवाद लिख लिया। अगली क्लास में अब आपको हम तीसरा चैप्टर का नोट्स फिर लिखवाएंगे, जिसका नाम होगा सदाचारोपदेश। थैंक यू।